जैसे एक अवधेश जी से मेरा वो था कि आगे अगर जिस तरह से यहाँ पे गुजरात में जो चुनाव हो रहा है उसके मद्देनजर आगे एनडीए की क्या जो है इक्वेशन ये लोग क्या विजुलाइज कर रहे हैं? संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा हरी जी। देखिए, मैं एनडीए के अंदर में बिखराव की बात पूरी तरह आज गुजरात के चुनाव ने सिद्ध कर दी है। आज गुजरात के चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया, जनता दल यूनाइटेड वहां पर जाकर के लड़ रहा है और बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। इससे यह सिद्ध हो गया कि यह विरोधाभासी विचारों के द्वारा संगठित एक दल है जो कभी भी एक नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकता, एकमात्र विकल्प इस देश के लिए बन सकता है। बिल्कुल। चलिए अवधेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, समय की मेरे पास कमी है, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप संक्षिप्त में मुझे इस बात का जवाब दें, किस रणनीति के साथ आप उतरेंगे, मुझे संक्षिप्त में बताएं। रणनीति एक्चुअली क्या होती है? हरेक जो इलेक्शन होता है एक मुद्दा पे होता है, विकास के साथ साथ और भी मुद्दा आता है, उस मुद्दे को देखा जाता है, अवलोकन किया जाएगा कि कौन से मुद्दा कब उठाना है। जी, कौन सा मुद्दा कब उठाना है, ठीक है। अवधेश जी, आगे एनडीए का क्या स्वरूप होगा, क्या हुआ है लेकिन लोकसभा चुनाव में? आगे का आपका क्या कुछ स्वरूप होगा अवधेश जी? स्वरूप ये होगा कि एक मॉडल, जैसे बिहार में एक मॉडल दिया गया है जी, हर एक विकास, क्योंकि इतने साल की विकास में जो नरेंद्र मोदी जी ने आज इतने 15 साल 20 साल से वहां पे मुख्यमंत्री बने पड़े हुए हैं, आज देखिए कि नीतीश कुमार जी जो जेडीपी के वहां पे जगह डेवलपमेंट में सेकंड स्थान है। चलिए, आने वाला वक्त बता देगा। बिल्कुल अवधेश जी, लोकसभा चुनाव में अवधेश जी एनडीए का क्या स्वरूप होगा? आप लोग साथ हो, मैं बताना चाहता हूं, एक अनाज 100 बीमार, सबकी निगाहें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, जितने भी इनके घटक दल हैं सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए, मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है। अवधेश जी, आपने मुझे बताया जो रणनीति आपकी रही थी, हरीश जी आपके पास आने चाहूंगा, क्या कुछ रणनीति के साथ आपकी पार्टी उतरेगी, मुझे संक्षिप्त में बताइए। देखिए, सीधी सीधी रणनीति हमारी यह है कि हम गरीब और किसान मजदूर जो गुजरात का आम निवासी है, ये मुद्दे तो आपने उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा चुनाव ने तभी भी आपने उठाए थे, उसके मद्देनजर देखिए उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग थी, वहां पर हमारी पार्टी बहुत नीचे थी और हमने उस पार्टी के ग्राफ को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया और हमें कुछ हद तक सफलता मिली। आखिरी सवाल मैं आपसे ही कर रहा हूं, आखिरी सवाल गुजरात के अंदर हम मुख्य विपक्षी दल हैं। चलिए, आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं, चुनाव है भाजपा और कांग्रेस के मध्य होना है। हरीश जी, आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारक के रूप में गए थे राहुल गांधी, क्या वहां पे जो है आपकी पार्टी जो है हार गई, बुरी तरह से हारी, क्या इस डर के कारण स्टार प्रचारक के रूप में जो राहुल गांधी जाने वाले थे इसलिए जो है कतई इत्तेफाक नहीं रहता? हम उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छा प्रदर्शन किए, पहले से बेहतर प्रदर्शन किए, पहली बार हमें महसूस हुआ कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ने जा रहे हैं। आम कार्यकर्ता कांग्रेस का उठकर, और आप लोगों ने भी एनालिसिस किया होगा, कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार लड़ाई में दिखाई दे रही थी। देखिए, पिछले 20 वर्षों से हम सत्ता में नहीं थे और लोगों को मायावती का विकल्प चाहिए था, और उन्होंने विकल्प नहीं, वो मायावती का विकल्प आपकी सरकार नहीं आई ना, लेकिन वो तो अखिलेश यादव की सरकार आई। हम तब भी चौथे स्थान पर थे और हमने कहीं ना कहीं पर प्रगति की। उत्तर प्रदेश विधानसभा की चुनाव हो गई, हम आपको ये बात कहेंगे, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से आप इस बात की तैयारी करें और हमारी शुभकामनाएं कि आपकी जो सरकार है वहां पर आए। आप हमारे साथ जुड़े, हरीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनुराग वर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस खास प्राइम टाइम में इतना ही, देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि नरेंद्र मोदी का जो जादू है पिछले कई सालों से चल रहा है वो बरकरार रहेगा या फिर इस बार कोई नया चेहरा गुजरात की जनता के लिए सामने आएगा। शुक्रिया।